आजकल वॉक किया? नहीं। पर क्यों? आप अच्छी तरह जानते हैं कि ईमान की जान को खतरा हो सकता है। रिलैक्स प्लीज। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि इंस्पेक्टर कबीर ईमान की तलाश में है। पता करना चाहिए कि पुलिस इन्वॉल्व करने से पहले सबसे पहले ईमान को गायब करें। ईमान को? लेकिन कहाँ? ईमान बेटा, आप मेरे घर चले, वहां जा पीके। हाँ ईमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही सही रहेगा। पुलिस को इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं। क्यों? तो क्या पुलिस के सब काम हम करेंगे? कम ऑन ईमान, देखो तुम खुद को जितना खतरनाक समझती हो ना उतनी तुम हो नहीं। ओके सख्ती शेबी, खुद पर हमला करने वाले को चीख फाड़ कर रख दूंगी। ईमान प्लीज रिलैक्स। मैं तुझे कहा है ना कि कोई भी गलत कदम हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम अगर यहाँ से नहीं जाओगी तो इंस्पेक्टर कबीर को इस सारे मामलात में इन्वॉल्व करना नामुमकिन है। क्या कहेंगे आप पुलिस से? कौन वो शख्स और क्यों आया है यहाँ पर? रिलैक्स, वो सब मैं देख लूंगा। इस वक्त तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। ईमान से मत करो, प्लीज मान जाओ। आप सब लोग यही समझते हैं कि डैड की डेथ एक नेचुरल डेथ है, लेकिन मैं इसे नहीं मानती। डैड उस रात घर पर थे और घर पर उनके साथ सिर्फ जोहा, और जोहा उस दिन आप लोग के साथ शादी पर क्यों नहीं गई थी? और अगर वो जानबूझकर नहीं गई थी तो फिर उसका घर पर रुकने का आखिर मकसद क्या था? मामा, वो मैं आज अम्मा की तरफ जाना चाह रही थी। आज जाना चाह रही? जी चलो ठीक है, चली जाना। वैसे भी शाम को हमें किसी इवेंट पे जाना है, तुम घर में अकेली बोर होगी। पहले नाश्ता तो कर लो, फिर सलमान तुम्हें छोड़ाएगा। आओ बैठो। नहीं मामा, वो मुझे तैयार होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। अरे दुआ, दुआ तुम? जी मामा, वो अम्मा को अचानक हैदराबाद जाना पड़ गया तो मैं वहाँ क्या करती, मैं वापस आ गई। चलो अच्छा किया जो तुम वापस आ गई, अगर थोड़ी देर पहले आ जाती ना तो तुम भी हमारे साथ चली चलती। अरे तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे लिए इंतज़ार कर लेंगे। नहीं मामा, आपको तो मेरी कंडीशन का पता है ना, मैं घर में आराम करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम घर पर ही आराम करो, ईजी हो जाओ, कपड़े वपड़े चेंज कर लो, खाना फ्रिज में रखा हुआ है और वहाँ भी घर पर ही है, ठीक है, आराम से खाना खा लेना। जी मैम। डैड को निशाना बनाया गया, जोहा ने जान ली है उनकी, और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि डैड उसकी हकीकत जान चुके थे। बेटा आओ। क्या देख रही हो, इसे अपने घर समझो। आओ आओ, कम कम, शाबाश आओ।
क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि मैंने माँ बाप का घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मोहब्बत नाम का धोखा खाकर मुझ जैसी बदनसीब लड़कियां दरबदर की ठोकरें ही खाया करती हैं। जब हम जज्बात में आकर कोई कदम उठाते हैं ना, तो फैसला अक्सर गलत होता है। मोहब्बत के जज्बात ने तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ने पर मजबूर किया, जिसे आज तुम गलती कह रही हो। तुमने अफाक की एक गलती की वजह से उसका घर भी छोड़ा और उसका साथ भी छोड़ा। और ईमान, ये उससे भी बड़ी गलती है। तुमने अपने आप को अकेला करके बहुत बड़ी गलती की है। और याद रखना, अकेली औरत एक कटी पतंग की तरह होती है, जिसे कोई भी दबोच ले। और ईमान बेटा, अगर मेरा मशवरा मानो, तुम अफाक के घर वापस चली जाओ। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। देखो ईमान बेटे, तुम पल पल मरी तो रही हो, और जिसे तुम खुददारी समझ कर जी रही हो, वो सिर्फ तुम्हारी जिद है, तुम्हारी अना है। इस तरह तो तुम बिल्कुल खोखली हो जाओगी। देखो बेटा, मैं तुमसे बाप की तरह कह रहा हूं कि तुम अफाक के पास वापस चली जाओ। वही तुम्हारा ख्याल रखेगा, वही तुम्हें प्रोटेक्शन देगा। मैंने कहा ना, मैं अकेली जीऊंगी और अकेली ही मरूंगी। और अगर आपने फिर भी इसरार किया ना, तो मैं यहां से भी चली जाऊंगी। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, तुम इस वक्त यहां रहो, मुझे तुम्हारी इस वक्त मर्जी मंजूर है। ओके, रिलैक्स नाउ। वादा कीजिए कि आप उस शख्स को ढूंढकर मेरे सामने लाएंगे जिसने मेरी बच्ची को मुझसे छीना है। तुम क्या करोगी? उसे जान से मार डालूंगी। ईमान, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी हमें उस शख्स की जरूरत नहीं है। इस वक्त हमें तुम्हारी बेटी को तलाश करना है और उसको सामने लाना है। रिलैक्स करो प्लीज। और ये मेरा वादा है कि मैं उसको ढूंढ कर लाऊंगा। अच्छा ना, रिलैक्स। चलो चलो, तुम्हारा कमरा दिखाऊंगा। चलो आओ आओ, शाबाश शाबाश। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। खान मुझे सुशील भाई जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? राफे, तुम बताओ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो बात असल में ये है कि ईमान ने मुझे कॉल किया। वो बता रही थी कि कोई शख्स उसे ढूंढ रहा है, यहां तक कि वो उसके ठिकाने तक भी पहुंच गया। उसने ये भी बताया कि ये वही शख्स है जिसने उसकी बच्ची को हॉस्पिटल से किडनैप करवाया था। ठीक, मैं क्या कर सकता हूँ? आप प्लीज उस शख्स को ढूंढ निकालिए, वो ईमान के लिए खतरा बन सकता है। जाहिर है, जिस तरह आप बता रहे उस तरह तो यही लगता है कि ईमान की जान को खतरा है। मगर मैं उस शख्स को किस तरह तलाश कर सकूंगा, क्योंकि मैं तो ये भी नहीं जानता कि ईमान कहाँ है। ईमान का पता होगा तो उसका पीछा करने वाले को मैं तलाश कर सकूंगा। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर भी एक आदमी आया था और वो गेट कीपर से पता कर रहा था कि इस घर में कितने लोग रहते हैं। मैंने उसे देखा था और मुझे यकीन है कि वही शख्स है जो ईमान का पीछा कर रहा है, और वो यहाँ भी ईमान को ढूंढने ही आया था। कहना क्या चाहती हैं आप? देखिए इंस्पेक्टर साहब, जुनैरा ये कह रही है कि आप उसे ढूंढ के इसके सामने लेकर आए तो ये उसकी शनाख्त कर सकती है, पहचान लेगी उसे। और इंस्पेक्टर साहब, इससे दो फायदे हो सकते हैं। एक तो ये कि ईमान भी महफूज रहेगी और फिर हमें हमारी बच्ची का भी पता चल जाएगा। आप लोग मुझे हवा में तीर चलाने के लिए कह रहे हैं। जब तक ईमान सामने नहीं आएगी, मैं उस शख्स को किस तरह तलाश कर सकता हूँ? कहाँ ढूंढूंगा उसे मैं? इंस्पेक्टर साहब, आप उसे मरगूब अहमद चौधरी के इर्द गिर्द तलाश कीजिए, क्योंकि ये जो कोई भी है ना, इसकी ईमान से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। बल्कि आई एम श्योर ये मरगूब अहमद का हायर किया हुआ कोई बंदा है। आप लोग मरगूब चौधरी पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे
तफ्तीश करने के लिए कह रहा हूँ, इल्जाम नहीं लगा रहा। यानी आप लोग ईमान को सामने नहीं लाएंगे? हम जब जानते ही नहीं है कि वो कहाँ है, तो हम सामने कैसे लेके आएंगे? मिस्टर राफे, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, आप कानून दल होने के बावजूद कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप सबको पता है कि ईमान कहाँ है। मैं आपके कहने के मुताबिक चौधरी मरगूब के इर्द गिर्द उस शख्स को तलाश करूंगा, लेकिन इस बात की जमानत बिल्कुल नहीं देता कि मैं ईमान को बचा सकूंगा, जब तक ईमान मंजर आम पर नहीं आ जाती। अब आपकी तसल्ली और ईमान की बेहतरी इसी में है कि आप उसे कानून के हवाले कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसे कम से कम सजा दिलाने में आपका साथ दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी आई आई। अरे सलमान, तुम? जोहा भी आई है क्या? नहीं, मैं अकेला आया हूँ। खैरियत तो है ना? क्यों, क्या मैं अकेला नहीं आ सकता? नहीं नहीं, क्यों नहीं आ सकते? आओ अंदर आओ ना, आओ अंदर बैठो। क्या लोगे बेटा, चाय या ठंडा? नहीं आंटी, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, कुछ तो लोगे ना? मैंने कहा ना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। परेशानी तो है। डैड की डेथ के बाद सब कुछ बिखरा बिखरा सा हो गया है। मम्मी भी हर वक्त रोती रहती हैं। ठीक कह रहे हो, जब घर का बड़ा चला जाए तो पीछे रह जाने वालों का यही हाल हो जाता है। अच्छा अब तो कुछ खा पी लो। आंटी, जिस दिन पापा की डेथ हुई, जोहा यहाँ आई थी ना? हाँ आई थी। तो फिर वो वापस वहां क्यों आ गई थी? वो मुझे अचानक हैदराबाद जाना पड़ गया था, जरूरी काम था। वो मेरी सास की तबीयत बहुत खराब थी इसलिए। अच्छा अब तो कुछ खाओगे पियोगे ना? मैं लेके आती हूँ। कैसे आना हुआ आफाक? वो मैं एक्चुअली ईमान से मिलने आया हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दे सकता। ये मतलब मेरी उससे बातचीत होना बहुत जरूरी है, बगैर बातचीत के तो ये मामला हल नहीं होंगे ना। आफाक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो बहुत अपसेट है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, शी इज जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग एट ऑल। प्लीज प्लीज एक बार मुझे उससे मिलने दें, प्लीज। ऑल राइट, ठीक है, लेकिन प्लीज तुम कोई ऐसी बात नहीं करोगे कि आगे जाके बिगड़ जाए। अंकल आई प्रॉमिस यू। आओ मेरे साथ। थैंक यू। आओ बैठो। थैंक यू अंकल। उसे बताता हूँ।
चले जाओ यहाँ से। देखो माँ, जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक ये पसार... मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। बड़ी गलती नहीं होती जितनी सजा तुम दे रही हो मुझे। हाँ बहुत मामूली सी गलती थी, तलाक दी थी तुमने मुझे। माँ एक तलाक दी थी सर। एक तलाक लेने का मतलब क्या लेते हो तुम? जब नफरत करने को दिल चाहा तो एक तलाक दे दी, और जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो हक जताने आ गए। एक तलाक सिर्फ इसलिए दी थी कि मैं मजीद सुनने को तैयार नहीं थी। अगर मजीद सुनने को तैयार नहीं थी तो मैं माफ क्यों नहीं कर देती? इसलिए आफाक कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी, जिसके लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई थी। मगर जब एहसास हुआ कि वो मोहब्बत ही नहीं रही तो किस लिए माफ करूं, किस लिए अपनाऊं तुम्हें? हिमान, वो सब गुस्से में कहा था मैंने। इस बात की क्या जमानत है कि तुम फिर गुस्से में तलाक नहीं दोगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सब तो उन हालात की वजह से था। देखो अर्जुमन भी तो अभी तक मेरे साथ ही रह रही है ना उस घर में। अर्जुमन तुम्हारी बीवी की हैसियत से नहीं रह रही उस घर में, वो तो एक बेजुबान कनीज की तरह है जो तुम्हारे और तुम्हारे बाप के जुल्म सह रही है। मान प्लीज, देखो हम अब्बा जान के असर में नहीं है और मैं तुम्हारे असर में नहीं हूँ। प्लीज माफ कर दो। तुम यहां से जा रहे हो या नहीं? प्लीज प्लीज एक बार माफ कर दो मुझे। ईमान ये सब क्या हो रहा है? ईमान समझने की कोशिश करो, अभी तो हमें मिलके हमारी बच्ची को भी ढूंढना। हमारी नहीं, मेरी, सिर्फ मेरी बच्ची समेत ही तुमने मुझे धुतकारा था। यार कहा ना, गलती थी वो, प्लीज। गलती तो मेरी थी जो तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गई तरबदर की ठोकरे खाने। अब चले जाओ यहाँ से, मुझसे किसी भलाई की उम्मीद मत करना। मान बेटी प्लीज, ये शर्मिंदा है, जब ही तो तुम्हारे पास बार बार चलकर आ रहा है। आप बीच में मत बोलिए अंकल, आप शायद मुझे यहाँ इसीलिए लेकर आए थे। इसे कहिए यहाँ से चला जाए, अगर ये ना यहाँ से गया तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा तो? तुम मर जाओ, और अगर मर भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी अम्मा, वो सलमान आया था। सलमान? वो क्यों आया था? वो यही पूछने आया था जो तुमने मुझे पहले बता रखा था। अच्छा, तो यही पूछने आया था ना कि उस दिन आप हैदराबाद क्यों गई थी,
है ना? वो पूछ रहा था कि जोहा को उस दिन वापस क्यों भेज दिया था। तो फिर अम्मा आपने क्या कहा? मैंने यही कहा कि मुझे जरूरी काम था तो मैं हैदराबाद चली गई थी। फिर क्या? मैंने बताया कि मेरी सास की तबीयत खराब थी, मैं उनकी तबीयत पूछने गई थी। और तो कुछ नहीं पूछ रहा था ना? और कुछ नहीं पूछा, लेकिन तुम तो मुझे बताओ कि बात क्या है आखिर। अम्मा बता दूंगी, टाइम आने पर बता दूंगी, आप मुझे तंग ना करें। वो सर ये पार्टी का कार्ड है। सर इस पार्टी का एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है, न्यूयॉर्क में इनकी मेन ब्रांच है, फ्रूट और सब्जियों का एक्सपोर्ट करते हैं, शायद इसीलिए इनको ये जमीन की जरूरत पड़ी है। कितनी कीमत देने पर माना है? पूरे 100 करोड़। शायद इन्हें जगह बहुत पसंद आई, शायद इनकी मर्जी के मुताबिक इन्हें डील मिल गई है। ये डील कब तक हो जाएगी? कल तक 10 करोड़ रुपए बयाना दे देंगे, बाकी की रकम 2-4 दिन में। फौरी क्यों नहीं? सर वो चाहते हैं कि पहले जमीनों का विजिट कर लें, उसके बाद ही बाकी रकम देंगे। कल तक बयान हो जाना चाहिए। जी बेहतर सर, अब मैं चलूं। तुम्हारी वजह से मैं अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हो गया हूं नसीरुद्दीन, इसका खमियाजा हर सूरत तुम्हें अपनी मौत से देना होगा। कुछ खाया आपने? कब तक अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे? जाने वालों का दुख तो बहुत होता है, पर जीने वालों को तो जीना पड़ता है। जाने वाले का दुख तो कभी खत्म नहीं होगा शायद। हाँ मगर बस एक चीज की फिक्र है, मामा कभी खुद को संभाल नहीं पाएंगे। अब मामा की फिक्र क्यों करते हैं? मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। ऐसे क्या देख रहे? मैं सोच रहा हूँ कि मामा को कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद भेज दूँ, मामू के पास, दिल बहल जाएगा। हाँ ठीक है। एक कप चाय मिलेगी? जी। Thank you.
भाभी वो आफाक भाई ने कुछ बताया आपको? मेरा मतलब है आफाक भाई ने बात कर ली सलमान से? कह रही थी कि आज बात करें। भाभी जो भी बात हो आप फौरन से मुझे बता देना प्लीज। तुम फिक्र मत करो, आफाक एक जिम्मेदार इंसान, सलमान को कुछ गलत नहीं करने देगा। भाई आ गए। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा तो तुम मर जाओ, और अगर मर भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है आफाक? आफाक भाई कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? भाभी आप खुद से पूछे भाई से, मुझे जल्दी बताएगा, मैं कमरे में इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात है आफाक, सब ठीक तो है ना? कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? क्यों रोए जा रहे हैं? मैंने कभी आपको ऐसे रोते हुए नहीं देखा, मुझे बताइए तो क्या बात है? प्लीज कुछ बोले, मेरा दिल बैठे जा रहा है। क्या हुआ है? थक गया हूं यार, थक गया हूं। ईमान से मिले थे? मामू का फोन आया था, इंग्लैंड से वापस आ गए। वो तो फौरन आने के लिए कह रहे थे लेकिन मैंने रोक दिया उन्हें। मामा मैं चाहता हूं कि आप इस्लामाबाद चले जाएं थोड़े दिन के लिए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं ये घर छोड़कर इस्लामाबाद चली जाऊंगी? इस घर में तुम्हारी डैड की यादें हैं, मैं इन यादों को छोड़कर अकेला नहीं जा सकती। डैड की यादों से जुड़े रहने के लिए हमें इस घर में रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें कभी नहीं भुला सकते, ना आप और ना मैं।
इस्लामाबाद चली जाएंगी तो बहुत से दिलासे मिलेंगे और ये दिलासे गम हल्का करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तुम कुछ भी कह लो लेकिन मैं इस गम से जुड़ी रहना चाहती हूँ। मैं इस गम से अलग नहीं होना चाहती। मामा मैं जानता हूँ कि ये गम हम दोनों के लिए बहुत बड़ा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस गम से बाहर आएं मेरे लिए। कल सुबह हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। प्लीज आप भी जाएंगे मामा के साथ? कितने दिन के लिए? 2-3 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। कल सुबह तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ दूंगा। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? अकेली रहोगी? मैं अकेली रह लूंगी लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली रहो। क्यों? शी मेरा घर है, यहाँ पर नौकर है और मैं अपनी जरूरियात खुद देख सकती हूँ। मैंने कहा ना कल सुबह तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ दूंगा।